दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, बिहार में फिर होगी आफत की बारिश, 15 अगस्त तक सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में एक तरफ नदियों के उफान और बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है तो दूसरी तरफ बारिश आफत बनी हुई है। अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नेपाल के तराई से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अन्य इलाकों में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उनमें किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल है। इन जिलों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की ट्रफ रेखा अमृतसर, देहरादून, बरेली, गोरखपुर से पटना होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रही है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंचरण भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास फैला हुआ है, जिसकी वजह से मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 72 घंटे में बिहार के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर, गंगा ने पटना में दिखाया रौद्र रूप, तेजी से बढ़ रहा है सोन और पुनपुन का पानी। जी हां, गंगा का रौद्र रूप पटना में दिखने लगा है। आसपास की बड़ी नदियों में सोन और पुनपुन का भी बढ़ता जलस्तर स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। बुधवार को गंगा इलाहाबाद से परकत तक लाल निशान के ऊपर बह रही थी, लेकिन पटना के गांधी घाट में अब तक के उच्चतम स्तर से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। खास बात यह कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार की सुबह 8 बजे तक गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 15 सेंटीमीटर और ऊपर चढ़ गया है। पटना के दीघा घाट में भी यह नदी हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से चढ़ रही है। गंगा पटना के साथ ही राज्य में भी खतरनाक संकेत दे रही है। यह इलाहाबाद से फरक्का तक सभी जगहों पर लाल निशान से ऊपर बह रही है। पुनपुन और सोन भी पटना में लाल निशान से काफी ऊपर जाने के बाद अब भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो वहीं कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक व कमला भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बड़ी खबर, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर, मंत्री संजय जाखुद करेंगे मॉनिटरिंग। जी हां, बिहार में गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार जल के बढ़ते जलस्तर के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गई है। राजधानी पटना के दियारा क्षेत्र समेत कई जिलों में बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। साथ ही विभाग के अधिकारियों को लोगों तक राहत पहुंचाने का निर्देश भी दे रखा है। इधर जल संसाधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद विभाग के मंत्री संजय कुमार झा करेंगे। आपको बता दें कि पीड़ित के लिए विभाग ने 1800-345-6145 टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों के पीड़ित कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। विभाग की ओर से तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर, बीपीएससी 67वीं समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी, देखिए एग्जाम शेड्यूल। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में होने वाले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर के मुताबिक बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 12 दिसम्बर 2021 को होगा। इसके अलावा मोटर यान निरीक्षक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 17 दिसम्बर व 18 सितम्बर 2021 को होगा। सहायक प्रधान अध्यापक असैनिक अभियंत्रण का परीक्षा 11 सितम्बर 2021 को होगा। सहायक प्रधान अध्यापक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की परीक्षा 21 सितंबर 2021 को होगी। सहायक प्रधान अध्यापक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की परीक्षा 21 सितंबर 2021 को होगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को होगी। वहीं बीपीएससी 67वीं की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 दिसंबर 2021 को होगी। बड़ी खबर, मंत्रियों की मंशा पर नीतीश सरकार ने फिर से फेरा पानी, इस बार भी 15 अगस्त को मंत्री नहीं बल्कि डीएम कमिश्नर फहराएंगे तिरंगा। जी हां, बिहार के नीतीश सरकार ने एक बार फिर से मंत्रियों के झंडोत्तोलन की मंशा पर पानी फेर दिया है। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर झंडोत्तोलन करने वाले थे। कई मंत्रियों ने तो बाजाब्ता कार्यक्रम भी तैयार कर लिया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब डीएम और कमिश्नर ही जिला और प्रमंडल में झंडोत्तोलन।
बड़ी खबर, बिहार में अब फोन से घर बैठे ले सकते हैं बिजली कनेक्शन, बस करना होगा ये काम। जी हाँ, बिहार में अब कहीं भी आसानी से घर बैठे ही फोन से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आने वाले सभी उपभोक्ता अब मोबाइल से ही बिजली कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने बताया कि इसके लिए सुविधा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से कनेक्शन लेने के साथ ही लोग अपना बिजली बिल आसानी से भर सकते हैं। बता दें कि बिहार में पहले बिजली कनेक्शन के लिए अंचल और अनुमंडल बिजली कार्यालय जाना होता था। बड़ी खबर, स्कूल रीओपन से पहले परिवहन विभाग का निर्देश जारी, बसों में नहीं हुआ इन नियमों का पालन तो रद्द होगा परमिट। जी हां, राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण कम होने के बाद 16 अगस्त से सभी स्कूल को खोलने का निर्देश दिया है। ऐसे में सभी स्कूलों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन परिवहन विभाग ने सभी स्कूल बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है, ताकि बच्चों को इस संभावित तीसरी लहर से भी सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर पूरे राज्य में सख्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी स्कूल बस कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है, उस बस का परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाए। इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। इस काम को लेकर सभी जिलों में परिवहन कार्यालय की एक टीम भी होगी। गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में आने वाले छोटे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना बस चालकों का ही जिम्मेदारी होगी। चालकों को बस, ऑटो व वैन में सैनिटाइजर भी रखना होगा। चालक और बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों भी इस संदर्भ में स्कूल के बाहर औचक निरीक्षण करेंगे, और जिन बसों में गाइडलाइन का पालन नहीं होगा उन बसों का तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, बिहार के 10 शहरों में शुरू होगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू। जी हां, देश के कई राज्यों में शुरू हो रही इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बिहार के करीब 10 शहरों में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटना में भी इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस पदाधिकारियों को यह बताया जा रहा है कि वे अपने अपने थाना क्षेत्र के अपराध ग्रस्त इलाकों के फोटो को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के ऐप पर लोड कर दे। ऐप इलाके के फोटो को भेजने के बाद उसे सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। अगर उस इलाके में किसी प्रकार की घटना होती है और रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि 112 पर कॉल आता है तो तुरंत ही पुलिस को उस इलाके में भेजा जा सकेगा। बड़ी खबर, बिहार सरकार मछली पालन को देगी बढ़ावा, तालाब उड़ाई के लिए सभी वर्ग को मिलेगी 50% की सब्सिडी। जी हां, बिहार सरकार मछली पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देने, सामाजिक उत्थान के लिए तालाब के विकास व जीर्णोद्वार योजना के तहत 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत तालाबों की उड़ाई एवं मत्स्य बीच हैजरे के निर्माण पर मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसकी खास बात यह है कि योजना का लाभ किसी भी श्रेणी का व्यक्ति ले सकता है। कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि कर लोगों के लिए स्वरोजगार का अवसर मुहैया कराना, राज्यवासियों की मछली की जरूरत को पूरा करना है। बड़ी खबर, राज्यसभा से पास हो गया ओबीसी आरक्षण बिल, अब ओबीसी लिस्ट बना सकेंगे राज्य। जी हां, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी ओबीसी आरक्षण बिल पर 127वें संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। बड़ी खबर, 19 अगस्त से बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी, सांसद जायसवाल ने जातीय जनगणना पर यह कहा। जी हां, बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग लगातार तेज हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बात करने का समय मांगा है। वही एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। वही बिहार बीजेपी इसके खिलाफ है। इसी बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जाति आधारित जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर जायसवाल ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जातीय जनगणना पर कोई भी निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार सभी पहलुओं पर विमर्श कर रही है, इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी 19 अगस्त से बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा गया से शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान पार्टी के मंत्री गांवों में निवास करेंगे।
बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब तो हुआ खुलासा। दो सरकारी अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के बदहाली से नाराज हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार के बाद सरकार ने सभी जिलों को पत्र लिखकर यह जानकारी देने को कहा कि किन अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक जिले की रिपोर्ट आई है, सिर्फ दो सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। जी हां, बात कर रहे सिवान जिले में, जहां विभिन्न विभागों में 223 अफसर पोस्टेड हैं। इनमें से सिर्फ दो अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी 221 अपने बच्चों को निजी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। बड़ी खबर, पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा का निधन, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। जी हां, बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता जनार्दन शर्मा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। कल सुबह उनके निधन के बाद से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। जनार्दन शर्मा के निधन की खबर सामने आते ही कई कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। बड़ी खबर, पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, नगर आयुक्त ने मांग पूरा करने का दिया आश्वासन। जी हां, बड़ी खबर, पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी यूनियन द्वारा हड़ताल खत्म कर दी गई है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ यूनियन के नेताओं के साथ वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक को सफल बताते हुए यूनियन के नेताओं ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों के सभी मांगों पर बिंदुवार चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन जिन मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर है, उनमें से अधिकतर न्यायालय के अधीन है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जितने भी मांगे उनके अधिकार क्षेत्र में है, उन पर अविलंब कार्रवाई होगी। आंध की बड़ी खबर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजर समेत 347 पदों पर निकाली भर्ती। जी हां, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। पदों की कुल संख्या 347 है। इच्छुक उम्मीदवार www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 रखी गई है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार के द्वारा कोई अच्छा काम हुआ है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।